कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो राज्य सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ धर्म जो दोनों धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ स्थिति कभी नहीं आई है। पाड़मई क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें ढील है। भारत साधु समाज देवभूमि से ये आह्वान करता है, ये आग्रह करता है कि आपको पुनः इतना सख्त कानून बनाना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी अपराध किसी तरह का करने का प्रयास करे, वो पहले उससे उसको पहले ही थर्रा जाए। पूरे विश्व में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु भारत में ही इस प्रकार की जो घटनाएं बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो यह एक सख्त कानून के माध्यम से खत्म हो जाएगा। ये जो घटनाएं पुरोला में हुई हैं, इसका जनता के द्वारा विरोध किया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो राज्य सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ धर्म जो दोनों धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ स्थिति कभी नहीं आई है। पाड़मई क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें ढील है और स्थानीय जनता ने एक अच्छा कदम उठाया है और इस प्रकार का जो उन्होंने आंदोलन किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। किसी भी धर्म के व्यक्ति अगर इकट्ठे होकर के कोई कट्टर धार्मिकता का आंदोलन करते हैं तो वो दोनों के लिए घातक है, राज्य की जो शांति है वो भंग होगी। भाईचारा सौहार्द को बिगाड़ने का ये जो कार्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इसकी निंदा करते हैं उत्तराखंड देवभूमि से, और यह आग्रह करते हैं कि देश में एक कानून सख्त बनाया जाए। भारतवर्ष में देश की आज़ादी के बाद से अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया कानून है, वो आपस में भाईचारे को लड़ाने के अलावा कुछ भी कानून नहीं था। और देश में सरकारें इतनी जल्दी बनाने की हुई कि जिसमें हमारे कानून में कोई भारतीय संस्कृति और भारतीय यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ना कोई कानून बनाया गया, ना कोई संविधान बनाया गया। फिर भी हम कानून में 75 वर्ष सौहार्द से निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जितनी भी मेहनत करी गई वो ठीक है, पर मूलभूत रूप से जो कानूनी व्यवस्था है, हमारा देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और सभी राज्य की सरकारों से यह भारत साधु समाज देवभूमि से यह आह्वान करता है, ये आग्रह करता है कि आपको पुनः इतना सख्त कानून बनाना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी अपराध किसी तरह का करने का प्रयास करे, वो पहले उससे उसको पहले ही थर्रा जाए, उसके अंदर भय पैदा हो जाए। तो हमारा विशेष रूप से आज 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार जो आपस में भाईचारा खराब हो रहा है पूरे विश्व में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु भारत में ही इस प्रकार की जो घटनाएं बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो यह एक सख्त कानून के माध्यम से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा विशेष आग्रह है कि पुनः ही सभी दलों को बैठकर एक बार पुनः विचार करके एक नए कानून को, जो सख्त कानून हो, उसको बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।